कटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि साइड पे तो हमने जैसे कि ये कटिंग वाले पीस जो हैं वो हमने काटे ही हैं, जैसा कि आपको बताया था कि 10-10 सेंटीमीटर से जो है वो आप निशान लगा सकते हैं। जैसा कि एक साइड से मैंने पूरा टाइल का जो 7 सेंटीमीटर की होती है तो 10-10 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगा लिए थे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये चोर्स में बना हुआ है, जैसे एक तरफ से ये चोर्स टाइल है, तो इसका जो है और भी बारीकी से काम किया जा सकता है। तो इसको तो मैंने काट लिया है, इसके बारे में तो नहीं, इसके आगे वाले के बारे में बताता हूँ, जो कि ये पीस आप देख रहे हैं इसके निशान मैंने लगाए हैं। तो ये कैसे इसको नापा है, तो इसको नापने के लिए सबसे पहले मैंने ये पट्टी ली है 7 सेंटीमीटर की, इसको आगे से थोड़ा तिरछा काटा हुआ है। तो इसको पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे रख के जैसा कि स्पेस में जितना भी स्पेस है इसका 4 है, तो उसके हिसाब से मैंने गुनिए से इसके जो है वो निशान लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साइड में मैंने जो निशान लगाया है इसका, तो अभी गुनिया तो मेरा इतना मतलब जा नहीं सकता, लेकिन इसके हिसाब से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किसका ज्वाइंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसके ज्वाइंट में मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, तो इसी प्रकार से ये ज्वाइंट जो है यहाँ पे इस पर निशान लगा लिया। तो इसके निशान लगाने के बाद में मैंने इस पर निशान लगाया, तो उसके बाद में जो पीस मैंने काटना है उस पर निशान लगा लिए हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है मैंने बाद में इसको इंची टेप से जहाँ जहाँ पे ये निशान है पॉइंट है, यहाँ पे टाइल पे भी वैसे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर स्पेस का मार्जिन छोड़ के तो इसको जो है वो नाप नाप के इस पर निशान लगाता है। तो जो ये साइड है, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो है इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मुझे इसके लिए भी इस पर निशान लगाने पड़े थे, जो कि वीडियो में तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने पहले इसको मिटा दिया था। तो इस पर भी मैंने ऐसे ही निशान जो है वो गुनिये से लगा लिए थे, जैसा कि मैंने पहले पट्टी के हिसाब से बताया था। तो इसकी सीध के हिसाब से मैंने ऐसे निशान लगा लिए थे। इसके निशान लगाने के बाद मैंने ये जो टाइल आप देख रही हैं, तो साइड इसके साथ में साइड पर मैंने ये निशान लगाए थे। अभी ये तो जो है वो पतली साइड के निशान है, लेकिन इस पट्टी पे मैंने इस साइड से भी निशान इसी प्रकार से लाइन लगाए थे, तो इसका जो है मेजरमेंट मैंने ऐसे निकाला था। तो उसके बाद में इस पट्टी को यहाँ पे रख के फिर मैंने इंची टेप से इसके कोने जो हैं वो नापे, कि ये जो है MM के हिसाब से जगह छोड़ के तो ये कितने पर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है, तो इसके बाद में ये अगला पॉइंट है, ऐसे ऐसे जैसे इसके ज्वाइंट हैं इसके ज्वाइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, और वैसा ही ये दोनों टाइल्स पे मैंने निशान लगाए हैं। तो इसी से जो है इसकी मेज़रमेंट मैंने निकाल ली है, और ये मेज़रमेंट बिल्कुल सही निकलेगी। बस ये है थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो हम बाद में इसको रगड़ के सेट कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी आप देख सकते हैं जैसा कि ये निशान जो है ये क्रॉसिंग हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी इसकी, और इसकी यहाँ पे, क्योंकि गुनिये से जो है ताकि इसके पॉइंट से पॉइंट हम मिला सकें। तो ये जो कटिंग होती है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, सीधी कटिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये कटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तजर्बा होना चाहिए। जितना ज़्यादा तजर्बा होगा मिस्त्री का उतना ज़्यादा इसको बढ़िया से काट सकता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़े। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट
मैं निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइल जो है, ये जो गोल पिलर है, ये पूरा गोल तो नहीं है, इस पर टाइल लगी हुई है चार 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 इंच वाली, तो इसी के हिसाब से मुझे इसको नाप के काटना पड़ रहा है। तो लास्ट वाला पॉइंट जो है, एक निशान जो रह गया है, तो इसका भी मैं अभी लगा लेता हूँ। का जो कोना है यहाँ पे आएगा, इसकी मार्किंग जो है वो वैसे कर। तो जैसा कि दोस्तों आप ये वाले पीस देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग किए हैं, तो इसी प्रकार से ये भी ऐसे ही कटिंग होगा। खुला है तो बेसिकली हमें यहीं से इसको रगड़ना पड़ेगा।